नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो A57e वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A57e में 6.44 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A57e में 2.95 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A57e में 187 ग्राम्स जबकि Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A57e में IPS LCD जबकि Note 12 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A57e में 6.56 इंचेस जबकि Note 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A57e में 720x1612 और Note 12 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A57e में 84.62% जबकि Note 12 Pro 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A57e में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A57e में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A57e में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A57e में पावर GE8320 जबकि Note 12 Pro 5G में माली G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A57e में MediaTek Helio G35 और Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो A57e में 4GB जबकि Note 12 Pro 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A57e में 64GB जबकि Note 12 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A57e में अप टू 1TB जबकि Note 12 Pro 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A57e 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Note 12 Pro 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो A57e में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 12 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11S है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A Sport है, तीसरा IQOO Z6 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 11 Prime 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।